आप 2 लाख का गाड़ी लीजिए या 5 लाख का गाड़ी लीजिए, आपको ट्रिप मिलेगा। ट्रिप मिलेगा ही। ना ऑफर दे दे, 4.5 लाख का गाड़ी 4,40,000 में दे पाएगा अभिजीत भाई, 4,30,000 में दे पाएगा, 4,25,000 में दे पाएगा, और कुछ और क्या करूं बोलिए। 4,20,000। चलिए इसको 4,20,000 कीजिए, एक 40 इंच का टीवी भी फ्री दूंगा। इसका स्टेपनी देखिए दादा, स्टेपनी का कंडीशन एक बार देख लीजिए अभी। आप 50 बैलेनो मुझे दीजिए, एक हफ्ते के अंदर सेल हो जाएगा। 50 बैलेनो, 50 मेरे पास बैलेनो का इतना कस्टमर है, बैलेनो जॉक जो है वो भी आनी है। अभी तक प्लास्टिक का प्लास्टिक उठा नहीं है जॉक। 5 साल का वारंटी, वारंटी में गाड़ी सेल कीजिएगा आप लोग, वारंटी के पीरियड के अंदर सेल हो जाएगा, वारंटी के अंदर सेल होगा गाड़ी। ये गाड़ी मैं लिख दूं जो प्राइस में सेल करूंगा, ओके, वो गाड़ी 5 साल बाद 1,00,000 डिप्रिशिएट करके मुझे दे दीजिए। आ जाइए, आप जो बोलेंगे वही एकदम देख लीजिए व्यूअर्स। अभी तक ये पूजा हुआ था ना, हाँ? ये पूजा का भी ये उठान शेप में है, आप दिखा दीजिए। ये न्यू शेप मॉडल है, न्यू शेप मॉडल, ये न्यू शेप मॉडल है एकदम। मतलब नॉमिनल कॉस्ट होगा 1 साल का मिनिमम सर्विसिंग के लिए, वो 3 साल के लिए मैं फ्री में दूंगा। 3 साल के लिए इस गाड़ी के साथ आप मुझे बिल दीजिएगा, 1 साल बाद बिल दीजिएगा, पैसा फोन पे। i20 का एकदम लास्ट मॉडल है, 19 का लास्ट की मॉडल है। घूमने जाइए ये गाड़ी लेके, आप लावा लोलेगा हो जाइए। 5,000 का पेट्रोल मैं दूंगा, 5,000 का, 5,000 का पेट्रोल दूंगा, 3,000 का टैंकी, 4,000 कितने में भर जाएगा, तो वो पैसा मैं कैश में दूंगा। तो व्यूअर्स चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं आज एवीआर कार केयर में क्या रीजनेबल प्राइस में लेस ड्रिवन गाड़ी, क्वालिटी गाड़ी क्या मिलता है। मिल लेते भाई के साथ। भैया नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो सर? बोलिए। एकदम आपका कलेक्शन देखने के बाद और भी दिल तो अच्छा। देखिए कलेक्शन तो बहुत बढ़िया लेके आए हैं आज एवीआर कार केयर, और आज एक स्पेशल धमाका देंगे। यूएसपी बहुत कुछ है आज। अच्छा, लेस ड्रिवन कार आप बोल दिए हो, 4,000 चला हुआ गाड़ी दिखाएंगे। 4,000 ओनली, 4,000 चली हुई गाड़ी कहां से मिलता है आपको, और 30 के ऊपर का गाड़ी नहीं दिखाएंगे। 30,000 के ऊपर का गाड़ी, एक दो हो सकता है, उसके ऊपर का गाड़ी नहीं दिखाएंगे। उसके ऊपर का गाड़ी नहीं दिखाएंगे, लाइफ टाइम टैक्स गाड़ी दिखाएंगे। लाइफ टाइम टैक्स, और सभी गाड़ी का टैक्स अप टू 5 इयर्स दिया हुआ है। 2 लाख का गाड़ी लीजिए या 5 लाख का गाड़ी लीजिए, आपको ट्रिप मिलेगा 2 दिन का। 2 दिन का विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये तो एक ऑफर है, और एक ऑफर है कि बाहर का कस्टमर क्या करे, आउट ऑफ स्टेट कस्टमर के लिए एनओसी फ्री है। करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, ये जो गाड़ी है ये न्यू शेप में है, i10 कलर एकदम, कलर बंपर टू बंपर ओरिजिनल पेंट में है। पहले ही धमाका दे दिया, 25,000 चली हुई है गाड़ी, 30,000 के बिलो बोल दिए, 25,000 चली हुई, 28 तक टैक्स दिया हुआ है गाड़ी। 5 साल आपका जो पहले बोला था, और आपका ये एकदम टॉप एंड वेरिएंट है, सिर्फ पुश बटन नहीं है, आपका स्पोर्ट्स मॉडल है, 1.0 कप्पा इंजन के साथ, कप्पा इंजन के साथ, i10 ग्रैंड 18 का लास्ट की गाड़ी है। इसमें एसी पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो तो आता ही है, रियर सेंसर विद कैमरा है, बैक कैमरा भी दिया हुआ है इसके अंदर, टच स्क्रीन मॉनिटर है। अच्छा, जो इनबिल्ड है, कंपनी से इनबिल्ड है, क्योंकि ये नया गाड़ी है, एकदम नया मतलब न्यू शेप में है गाड़ी, फेसलिफ्ट मॉडल है, एकदम शेप देख के ही लग रहा है। 17 का मॉडल से आप इसको कंपेयर मत कीजिएगा, ये फेसलिफ्ट और दे दे, 4.5 लाख का गाड़ी 4,40,000 में दे पाएगा अभिजीत भाई, 4,30,000 में दे पाएगा, 4,25,000 में दे पाएगा, और कुछ और क्या करूं बोलिए। 4,20,000 चलिए इसको 4,20,000 कीजिए, एक 40 इंच का टीवी भी फ्री दूंगा। अच्छा, इसके साथ 40 इंच, 4,20,000 स्टेपनी देखिए दादा, स्टेपनी का कंडीशन एक बार देख लीजिए व्यूअर्स, कंडीशन पूरा नया जैसा एकदम, और गाड़ी का लुक जो मारुति ने दे दिया ना, पूरा तो एकदम प्रीमियम जैसा। एक एक मिडिल जो फैमिली होता है, मिडिल क्लास फैमिली होता है, उसके लिए ये प्रीमियम कार है एकदम। पहले बोल दिया, ओनली 4,000 चली हुई है गाड़ी, गाड़ी स्टेपनी क्या, पूरा गाड़ी दिखाता हूँ इसका एकदम, स्टेपनी भी देखेंगे, क्या पूरा गाड़ी दिखाता हूँ इसका, देखिए एकदम। आ जाइए, देख लेते हैं,
इसका स्टेप नहीं देख लेते क्या है, वो इतना बड़ा बूट स्पेस भी मिल जाएगा पीछे गाड़ी में। बूट स्पेस 300 लीटर का बूट स्पेस है, स्टेपनी पूरा अनयूज्ड है। स्टेपनी क्या, जॉग जो है वो भी अनयूज्ड अभी तक, प्लास्टिक का प्लास्टिक उठा नहीं है, जॉग का प्लास्टिक ही खोला नहीं है बंदे से। दिखा दीजिए, कोई बंदा गाड़ी नया गाड़ी लेगा तो उसको स्टीयरिंग स्टीयरिंग कवर, आपका सीट कवर सब कुछ, मैट भी अभी नहीं देता है जानते हैं। हाँ, नया गाड़ी में मैट भी नहीं आता, मैट भी नहीं आता 15-16 हजार का, मतलब 5,000-6,000 मैट के लिए ले लेता है। तो इसमें मैट भी है, स्टीयरिंग कवर भी है, आपका सीट कवर पूरा नया है दादा गाड़ी नया। उसके साथ मतलब अंदर से नया गाड़ी का खुशबू भी आ रहा है, मतलब ये गाड़ी पॉलिश करके ना जो भी लेगा नंबर प्लेट खोल के दूंगा तो गाड़ी नया मिलेगा। गाड़ी नया गाड़ी भाई मैं दे दूं, इसके साथ क्या क्या चाहिए बोलिए व्यूअर को, इसके साथ क्या क्या चाहिए आप एज ए व्यूअर बोलिए क्या चाहिए। गाड़ी का क्वालिटी तो फोन में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझ में आएगा लेकिन उसकी क्वालिटी जज करने के लिए आपको आना पड़ेगा एकदम। ये गाड़ी ऐसा कंडीशन में है, आप देख के ही गाड़ी बुक में लिख दो जो प्राइस में सेल करूंगा। ओके, वो गाड़ी 5 साल बाद 1 लाख डिप्रिशिएट करके मुझे दे दीजिएगा। चलिए 5 साल के, 5 साल बाद 1 लाख कम लूंगा गाड़ी का प्राइस, 5 साल बाद। 5 साल के बाद तो 2 लाख 3 लाख तो, अरे 5 साल बाद 1 लाख कम करके ले लूंगा। आने के बाद जो बोलेगा वो रखना पड़ेगा। चलिए व्यूअर जो बोलेगा वो रख दूंगा गाड़ी, आज दे दूंगा 6,55,000 में। 6,55,000 में गाड़ी अपना बना सकते हो विद ऑफर, आपका ऑफर। इसका इंजन खोल के दिखाइए, चलिए इंजन खोल के दिखाता हूं इसका। आ जाइए, आप जो बोलेंगे वही करूंगा एकदम, मेरे को दिखाना है कस्ट व्यूअर्स को। चलिए आ जाते, इंजन खोल के दिखाऊंगा। बोनेट खोल लीजिए एक बार एकदम, देख लीजिए व्यूअर्स। अभी तक ये पूजा हुआ था ना, हाँ? ये पूजा का भी ये उठा नहीं है, सील्ड है, ये सब सील्ड दिखा दीजिए एकदम, देख लीजिए। गाड़ी पॉलिश होगा, थोड़ा बहुत मैला पड़ चुका है, पॉलिश होगा तो पॉलिश करके। ये भी 26-27 हजार चली हुई है गाड़ी। आप तो पहले ही बोल दे 30 हजार का अंदर ही दिखाऊंगा। 28 हजार शायद चली हुई है ना, 28 हजार चली हुई है, ऐसा ही चली हुई है। 18 का लास्ट की गाड़ी है, 18 की लास्ट की गाड़ी, 1 टाइम टैक्स है। अच्छा, मतलब गाड़ी ले जाइए टैक्स फ्री में, टैक्स भी फ्री में। जितना दिन गाड़ी चलाई है गाड़ी में टैक्स भरना नहीं पड़ेगा आपको, खत्म खत्म। ओके बोलिए। 50,000 रुपए इसका डाउन पेमेंट ले लूंगा, गाड़ी कर दूंगा। 50,000 लेके आइए, सिर्फ और सिर्फ 50,000 लेके आइए, ये गाड़ी लेके जाइए। बढ़िया, 50,000 लेके आइए, गाड़ी का पूरा लोन करवा दूंगा, लोन हो जाएगा। 18 का 1 टाइम टैक्स है, VXI मॉडल है, सिर्फ और सिर्फ 28-29 हजार चली हुई है गाड़ी, फर्स्ट ओनर में है गाड़ी, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है गाड़ी, बहुत ही एज वेल एज न्यू कंडीशन में गाड़ी है। इसका प्राइस बोल दूं पहले, प्राइस बोल दी, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 6,50,000 रुपए। हाँ ऐसे तो प्राइस 6,40,000 कर दूं, 6,30,000 कर दूं, 6,25,000 कर दूं, 6,25,000 में हो जाएगा, 6,20,000 में दे दूं सर गाड़ी को, 6,20,000, 6,15,000 में दे दूं, चलिए 6,10,000 में इसको देते हैं, 6,10,000, 6,05,000 में देते हैं इसको, चलिए 6,00,000 छोड़ ही दीजिए ना, छोड़ दूं 6,00,000 में, 6,00,000 छोड़ दीजिए, चलिए 6,00,000 में कर देते हैं इसको, 6,00,000 में, 5,95,000 में करता हूँ इसको, और भी चलिए अभी ऑफर बोलिए, 5,95,000 में इसको अपना बना सकते हो, ऑफर है इसमें NOC तो फ्री है, वही ट्रिप के साथ है, इसमें 5,000 का पेट्रोल फ्री है, चलिए। अच्छा, इसमें इसके साथ भी 5,000 का, 5,000 का पेट्रोल फ्री है, चलिए। ओके, डिमांडिंग गाड़ी दिखाते हैं, डिमांड से डिमांडिंग गाड़ी दिखाऊंगा। मार्केट में जिसके पास 10 गाड़ी होगा 7 गाड़ी रिसेल कार्ड नहीं होता है, 3 गाड़ी रिसेल होता है मेरे पास, आप देखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कस्टमर को अच्छा गाड़ी देने के लिए, और 1-2 साल के बाद उसका डिप्रिसिएशन जितना भी हो कम हो, कम हो ये चाहता हूँ। i20 19 की गाड़ी है, 29 तक टैक्स भर के दूंगा, हमने सोचा 24 तक, 29 तक टैक्स भर के दूंगा, 24 तक टैक्स दिया हुआ है, कोई बंदा लेने के बाद उसको सोचना नहीं पड़ेगा। सिर्फ 25,000 चली हुई, एक्स्ट्रा ऑप्शनल है, सब फीचर्स लोडेड। आप एक फीचर्स बोलिए मैं बोलूंगा आपको, ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल है, 6 एयरबैग है, पुश बटन स्टार्ट है, कीलेस एंट्री है, फिंगरप्रिंट असिस्टेंस है, एकदम ऑटोमेटेड ओवरबीएम है, डुअल टोन सीट कवर है, आपका स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल है, ABS है, अलॉय व्हील आप दिखा दीजिए, रियर पार्किंग सेंसर विद कैमरा है, डिफॉगर है, रियर वाइपर है, और ये मिनी क्रेटा है सर, मिनी क्रेटा न्यू शेप में है, आप दिखा दीजिए, ये न्यू शेप मॉडल है, न्यू शेप मॉडल, ये न्यू शेप मॉडल है, मतलब एलीट i20 का एकदम लास्ट मॉडल है, 19 का लास्ट की मॉडल है।
ओके 29 तक टैक्स दे के दूंगा गाड़ी को। बोलिए क्या गाड़ी में एक छोटा स्क्रैच है दिखा दीजिए। ओके गाड़ी पूरा बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, इसीलिए गाड़ी में ये स्क्रैच मैं काम नहीं करवाया। कोई बंदा बोलेगा दादा आप करवा दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। okay. गाड़ी का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 645। 7,00,000 से 645 में दूंगा। और ये क्या फोर्ट की गाड़ी? फोर्ट की तो गाड़ी मार्केट में मिल सर जाएगा। फोर्ट की गाड़ी मार्केट में मिलेगी एकदम। कौन सा साल का मिलेगी? 17, 14, 15 तक। 19 की गाड़ी है। 19 की गाड़ी 19 की टाइटेनियम प्लस स्पोर्ट्स मॉडल है। पीछे में तो एकदम बैक वाइपर से लेकर सब कुछ सर। डीजल है, डीजल माइलेज तो अच्छा खासा। माइलेज का बोलने के 5,000 में आप दिल्ली घूम के आएंगे। 5,000 में दिल्ली से घूम के दिल्ली से डेली चला जाएंगे 5,000 पेट्रोल में, डीजल माइलेज मिल जाएगा। 25 माइलेज देता है सर। 25 माइलेज इतना बड़ा गाड़ी में? 25 माइलेज फोर्ट का माइलेज एंड बिल्ड क्वालिटी, मैनुअल बुक, सर्विस टी, 2 चाबी, कस्टमर बहुत ही रेप्यूटेड कस्टमर का गाड़ी है। ओनली 42,000 चली हुई है जो फोर्ट के लिए कुछ नहीं। और कुछ फर्स्ट ओनर व्हीकल है इसका 8 लाख। इसका मैं आज प्राइस कोट कर रहा हूँ 7,55,000। 7,55,000 प्राइस चैलेंजिंग करते हैं। इसमें एक काम करते हैं, 10 पूजा का पास हम लोग फ्री में देंगे सर्विसिंग के लिए। वो 3 साल के लिए मैं फ्री में दूंगा। 3 साल के लिए इस गाड़ी आप के साथ? मुझे बिल दीजिएगा, 1 साल बाद बिल दीजिएगा, पैसा फोन पे में जाएगा। 7,35,000 कर दूं? 7,25,000 में दूंगा। चलिए 7,25,000 में छोड़ते हैं। 7,25,000 में कोई डीलर दे देगा 19 की गाड़ी। ओके टाइटेनियम प्लस डीजल क्या बोलू सर। i20 है एकदम। बोलिए 11 की गाड़ी है। 11 की गाड़ी है आपका 26 तक टैक्स दिया हुआ है। सेकेंड ओनर है। 55,000 चली हुई है। पेट्रोल में है, मैग्ना ऑप्शनल है, एसी पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट, आपका इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, एसी सब कुछ मिल जाएगी इसमें। जो जो रहता है i20 का मॉडल में वो मिल जाएगा एकदम। इसमें क्या दे दूं? इसमें प्राइस बोल दूं? इसमें प्राइस में ऑफर दे दूं? प्राइस में ऑफर दे दूं? प्राइस में, इसमें प्राइस क्या क्या कितने में दे दूं? 11 10 का गाड़ी कितने में सेल हो रहा है कलकत्ता में? 1,70,000। 9 का गाड़ी? 1,50,000-60,000। चलिए इसको आज क्लोज करते 1,75,000 में। 11 का गाड़ी 11 की गाड़ी छोड़ 1,75,000 में दूंगा ऐसी कंडीशन में। i10 चलिए और एक i10 दिखाता हूँ। 14 की एंड की गाड़ी है सर। 14 की एंड की गाड़ी है, 2 महीना पुराना 15 की गाड़ी है। 24 की लास्ट तक टैक्स दिया हुआ है। ओके स्पोर्ट्स वेरिएंट है। अच्छा स्पोर्ट्स वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट है। छोटा मोटा स्क्रैच है, करके दूंगा गाड़ी को। ओके गाड़ी में कोई ऑफर नहीं होगा। अच्छा। लेकिन ऑफर एक ही होगा प्राइस लेके एकदम सिर्फ और सिर्फ 195 में दूंगा। 195 कोई दे देगा 14 का गाड़ी? 14 का गाड़ी 195 में दूंगा गाड़ी। ओरिजिनल पेंट में है गाड़ी। अच्छा बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में। ओनली 26,000 चली हुई। ओनली 26,000 आपका 16 की गाड़ी 26 तक टैक्स। अच्छा 3 साल के लिए टैक्स का झंझट खत्म। ओके गाड़ी टॉप एंड वेरिएंट में है। अच्छा, होंडा की भरोसा के साथ है एकदम। 16 की गाड़ी 26 तक टैक्स, कलकत्ता में सेल हो रहा है 390, 380, 375। 16 की गाड़ी आज मैं दूंगा सिर्फ 3,35,000 में। 3,35,000 40,000 का डिस्काउंट देता हूँ, क्योंकि ये सोच के ही देता हूँ जो 3,75,000 रखा है वो भी जाने के बाद 10,000 तो कम करेगा, डिडक्ट हो जाएगा वो तो 10,000 कम करेगा। चलिए 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 40,000 डिप्रिशिएट करके 3,35,000 में देता हूँ गाड़ी। 3,35,000 3,25,000 में देता हूँ। चलिए 50,000 का डिस्काउंट। 12 की एंड की गाड़ी है। 12 की एंड की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है। ओनली 36,000 चली हुई है गाड़ी। ओनली 36,000 12 की गाड़ी। 27 लाख तक टैक्स दिया हुआ है। वैगनर की प्राइस में दूंगा गाड़ी। अच्छा वैगनर के प्राइस में इस गाड़ी मिल जाएगा? 2,75,000 में दूंगा। 2,75,000 में सीडन मॉडल कोई गाड़ी आपको मिलेगी? आप बोलिए एक सीडन बोल दीजिए, पुंटो वगैरह फिएट वगैरह छोड़ के बोलिए प्लीज। कंपनी बंद हो गया प्लीज, वो सब गाड़ी मत बोलिए जो रीसेलिंग कार है, एक बोल दीजिए मुझे अभी तो। 16 की एक वैगनर का प्राइस क्या होगा? अब जो बोल रहा है 16 की 3,35,000 मैं वैगनर के प्राइस में आपको एमएस दे रहा हूँ सीडन मॉडल एकदम अच्छा का। 14 की वैगनर का प्राइस क्या होगा? 14 की वैगनर 2,30,35,40,50 195 में i10 दे रहा हूँ स्पोर्ट्स मॉडल। 195 में i10 मिलेगा? अरे मैं तो मैंने मुंह से निकल गया।
नेक्स्ट टाइम गलती से मुंह से मिलेगा नहीं आपको, गलती से मुंह से निकल गया इसीलिए दे रहा हूँ, लेकिन 194 नहीं करूंगा, 195 होगा मेरा एक मोटो। मोटो तो मेरा है, लेकिन मेरा एक नसीब भी है, जितना भी गाड़ी मैं सेल किया यूट्यूब के थ्रू, कोई भी गाड़ी में मैं सही में मैं हाथ जोड़ के आपके व्यूअर के लिए बोल रहा हूँ, आपका बहुत सारा व्यूअर है, आप मेरे से गाड़ी ले चुका है और लेगा भी, लेके गया है। अब कोई व्यूअर को पूछ लीजिए एबीआर कार केयर का गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुआ है एकदम, कोई अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं आया। अब प्लीज एक बार रिपोर्ट देखिए, मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा, उसमें डीलर लोग व्यूअर लोग को समझ में आएगा कि ये मेरा गाड़ी है, मैं तो बोलूंगा ही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ओपनली कोई कस्टमर के साथ मैं फ्रॉड किया या पैसा मार दिया या पेपर का नेम ट्रांसफर नहीं किया, बाहर का कोई बंदे का एनओसी निकाल के नहीं दिया, गाड़ी एक्सीडेंटल दिया, ये आप कमेंट में लिखिए। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है, कोई डीलर बोलता है ऐसा बोल नहीं पाएगा सर, क्योंकि पीछे में बहुत स्मेल है, सभी डीलर का पीछे में बहुत स्मेल है, ठीक है, मेरा भी है, लेकिन वो जिसके लिए है उसी लिए यूज करता हूँ और दूसरे के ऊपर डालता नहीं हूँ। तो कस्टमर लोग आप कमेंट कीजिए मेरा कौन सा कुछ क्या गलत है क्या गलत नहीं है सर, ये प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि सभी को वही अच्छा लगता है। झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि झूठ देखिए किसी को पता नहीं होता है, बहुत सारे डीलर का भी कमेंट आता है, मुझे पता होता है वो डीलर है, ओवरप्राइज्ड है, अच्छा नहीं दिया है गाड़ी, मुझे पता है, लेकिन मैं आपका जेनुइन व्यूअर को बोल रहा हूँ, जेनुइन व्यूअर को प्लीज ये कमेंट करके बोलिए उसको, मीराज भाई को आप पर्सनली कमेंट करके भी बोल सकते हो, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देगा एकदम। आप जानते हो सर मेरे मैं आपको थोड़ा टाइम लेके एक आपके व्यूअर के चैनल में ही बोलना चाहता हूँ, मैं एक गाड़ी सेल किया था अर्टिका, हैदराबाद का कस्टमर लिया था, उसका एनओसी के लिए 5000 मुझे 5000 देके गया था, ठीक है, तो एनओसी के लिए मैं डाल दिया, एनओसी के लिए जब एनओसी उठेगा उस टाइम में बोल रहा है नहीं अभी नहीं, पैसा भी नहीं दिया था तो मैं उठाने के लिए जमा कर दिया था, क्योंकि एनओसी का टाइम होता है, क्योंकि आपके नाम पे गाड़ी है तो आपको जाना पड़ेगा एनओसी के लिए, तो आप भी आउट ऑफ स्टेशन में रहते हो तो आप कैसे, आपसे एक शेड्यूल बना के मैं दिया था, कस्टमर का कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका, कस्टमर मुझे 6 महीना घुमा, पैसा भी नहीं दिया, एनओसी भी वो बोल रहा है नहीं अभी नहीं होगा, हैंड नहीं होगा, मैं भी एनओसी निकाल नहीं पाया, अभी एनओसी के लिए मेरा वो 12000 कर दिया, आरटीओ से बोल रहा है 12000 लगेगा, कस्टमर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं आपके नाम पे केस कर दूंगा, मैं या पॉइजन खा लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ठीक है, मैं भी वो रिपोर्ट किया था, मैं भी मेरे थाने में मैं, क्योंकि देखिए ये झूठ है, ये मुझे बोलने का मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी दूंगा आपको कमिट करके दूंगा कि 1 महीने के अंदर आपको एनओसी निकालना है, 1 महीने के बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ये गाड़ी और एक थर्ड पार्टी का है सर, वो थर्ड पार्टी को टाइम मिलेगा, वो थर्ड पार्टी आज बोलेगा कि दादा गाड़ी तो आप एक साल पहले सेल कर दिए थे, अभी तक नेम ट्रांसफर क्यों नहीं होगा, मैं अभी नेम ट्रांसफर नहीं करूंगा, बोलेगा तो मैं कैसे करवा पाऊंगा उसका, वो तो जिम्मेदारी आपको व्यूअर को लेना पड़ेगा, तो मेरा काम है अच्छा गाड़ी प्रोवाइड करवाना और सर्विस देना, आप सर्विस आज नहीं लेके 1 साल बाद बोलेंगे कि 1 साल बाद भी मुझे 4000 में ये चाहिए, मैं कैसे दे पाऊंगा आपको, उस टाइम में तो गाड़ी उस टाइम में वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, तो ये ध्यान में रख के काम। और एक चीज बोलना चाहता हूँ सर आपके व्यूअर के लिए, हम लोग का नया शोरूम ओपन होने वाला है एकदम, ठीक है, पहले कुछ मेरा पर्सनल कुछ काम है वो होने के बाद मेरा रिवील्ड होगा कि कब शोरूम ओपन होगा, मैं बोल दूंगा आपका व्यूअर का, सभी व्यूअर को मैं इनवाइट करता हूँ ये आपका थ्रू आउट बाय योर वीडियो, ठीक है, कि आप आइए एक बार, मौका दीजिए, आइए चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, एक बार बात कीजिए ना कि भाई क्या होने से क्या अच्छा होना चाहिए, क्या होने से क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या कुछ नहीं, कौन सा डीलर क्या करेगा मुझे पता नहीं है कि, लेकिन आपका जो कमेंट होगा, आपका जो व्यू होगा, वो व्यू हम लोग दिमाग में रख के हम लोग कोशिश करेंगे उसमें उतरने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग और भी उछल से आगे नहीं बढ़े,
स्टेप बाय स्टेप आपका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़े के मैं अच्छा प्रोडक्ट लेके काम करूंगा, अच्छा चीज लेके काम करूंगा और जो बोल रहा हूँ उसमें स्टैंड रहेगा मेरा, तो सही में मैं मुझे रोकना आसान नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन इसके लिए मैं आप लोग से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग आइए, सभी को इनवाइट करते हैं। जैन में होगा तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग बोल पाएंगे शायद के कब होगा, एक अच्छा शोरूम हम लोग आप लोग के आशीर्वाद से बना रहे हैं। तो अब आइए, एक बार मौका दीजिए हम लोग को एकदम, और जल्दी से हम लोग का जो स्टॉक है खत्म कर दीजिए, जल्दी से खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में गाड़ी प्राइस में भैया को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। और ऑफर जो दिए ना, मैं मतलब 2 साल पुराना भी मैं एक यूट्यूब चैनल खोल के देखूंगा, एक वीडियो देखूंगा, कोई डीलर ऐसा ऑफर शायद अभी तक नहीं मिलेगा, नहीं दे पाया अभी तक मैंने, अभी तक कोई सुने, आप भी नहीं सुने हो। मैं आज देखिए मेरा मन क्यों खुश है, क्योंकि देखिए एक अच्छा चीज लेके बिजनेस करने में एक अच्छा मन से एक गट्स मिलता है कि भाई ठीक है चलिए होगा, सही वे में रहेगा तो अच्छे से काम होगा सर, एकदम ठीक है। तो चलिए ये लेके आज खत्म करते हैं, और मिराज को बहुत सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही वो इतना बड़ा हुआ है, तो अभी उड़ान बाकी है, ठीक है, उड़ान बहुत बाकी है, क्योंकि अभी आपका जो आपका हाथ पकड़ के सपोर्ट लेके उसको बढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग भी अभी बहुत सारे यूट्यूब मतलब ब्लॉगर है और इन्फ्लुएंसर है जिसको हम लोग देख के मोटिवेटेड होते हैं कि ये ऐसे घर से निकल के ऐसे मौकम में है। तो आप मिराज को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसको चैनल को, लाइक कीजिए और बहुत सारा कमेंट कीजिए, क्योंकि मिराज को भी पता चले कि कैसे 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 वो भी एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसा नहीं है वीडियो सिर्फ बना के वो चल जाता है, वो भी बंदा धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है अभी, कैसे काम करना होगा कैसे क्या नहीं होगा, क्योंकि उसका जो अभी ब्लॉग है आप 6 महीने का ब्लॉग देखिए और आज का ब्लॉग देखिए, धीरे 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 डिफरेंस आपको पता चलेगा कैसे कैसे काम कर रहा है। तो बंदे को भी सही रास्ते में है, उसको मौका भी दीजिए जुड़े रहने के लिए। चलिए ये बोल के खत्म करते हैं आज।